बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और हमारे पास मैथ के जो पेपर की तैयारी चल रही है, तो स्टूडेंट को मैं बता दूं कि मैथ में से इम्पॉर्टेंट गैस क्या है। वन बाई वन चीज़ों को बताता जाऊंगा, आप उसके मुताबिक तैयार कीजिएगा, क्योंकि आई एम ए मैथमेटिशियन फ्रॉम मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट। तो आप लोग इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, जिन लोगों ने सारा साल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि एडवांटेज सभी को ही इक्वल होगा। तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा आपके मैथ को स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करके। तो मैं आपको जो नाइन्थ वाला यूनिट है, जिसके पहले थ्री इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं आपको वन बाई वन करके वो करवाऊंगा, और आपने पहले उनको समझ लेना है। जिनको वो नहीं आते तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसके बाद एक मरतबा प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह आपका वो क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है, जो हम जब तक पेपर नहीं हो रहा, आज है कल है, उसमें हमारे पास जो छुट्टियां हैं, हमने उन छुट्टियों के अंदर उन काम को डिवीजन कर लेना है उनको हमने, ताकि पेपर हमारा अच्छा हो सके। तो थ्योरम नंबर टू की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है, अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन है, ड्रा फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से ड्रा की गई है, ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल से। तो आपने फिगर को, इसकी शक्ल को अच्छी तरह समझना है। अगर आपको फिगर समझ आ गई तो फिर आप बड़ी आसानी से इस चीज को समझ लेंगे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हमने फिगर को ही अंडरस्टैंड करना है। बाद में इसमें दो चीजें होंगी, एक इसमें आपका प्रूफ होगा और एक इसमें आपको चीज ऑलरेडी फाइंड मालूम होती है, और उसको हम गिवन भी कह सकते हैं। तो दो चीजें, एक गिवन है और दूसरी हमारे पास प्रूफ है, जिसको हम करेंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, फिगर को बनाएंगे और बाद में हम प्रूफ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो बात क्या है, मैं आप सबसे पहले इसमें से आपको सर्कल लिया और उसका ये क्या है, सेंटर। सेंटर से क्या कहा, स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर, कहता सेंटर से ऑफ ए सर्कल, कहता सर्कल, ये सर्कल है और इसे आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। मैं इससे पहले आपको ये बताऊंगा, सेंटर से आपने क्या करनी है, ये एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा करनी, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, जो एक कार्ड को, जो एक बत्तर को काटती है, ये काट दिया आपने। सेंटर से हमने एक स्ट्रेट लाइन ली जिसने एक एक कार्ड को बाइसेक्ट किया, उसको कटा कर दिया, विच इज नॉट अ डायमीटर, उसने कहा है, वो वाली चीज डायमीटर नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि डायमीटर, स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल सेंटर से ली जाती है, वो डायमीटर होता है, लेकिन उसने डायमीटर नहीं कहा, कॉर्ड कहा है, बटन कहा है, जो ये वाली वैल्यू नहीं होगी। तो हमारे पास इसको नाम दे दिया ए और बी, इसका नाम दिया ओ, और सेंटर का नाम हमारे पास क्या है, सेंटर का ओ, जिस जगह पे उसने उसको बाइसेक्ट किया है वो आपका एम है, और कॉर्ड आपके पास क्या है, ए और बी, ये फिगर है। इसमें से देखिए, अभी तक फिगर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जब तक इसके अंदर ट्राइंगल नहीं बनेगी उस वक्त तक हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो जब ट्राइंगल बन जाएगी तो देखिएगा कैसे हम आसानी के साथ इसको प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास इसमें वो आपको अमल करना पड़ेगा, जो ए को ओ से मिलाया और फिर हमने ओ को बी के साथ या बी को ओ के साथ मिलाया, दो ट्राइंगल बन गई, ओ ए एम और ओ बी और एम बन गई। बनने के बाद इसमें दो एंगल बने, एक 90 का है एल वन और एक, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है इसलिए हमारे पास दो एंगल बन गए, एक एंगल वन है और दूसरा एंगल टू है। अब हम चाहेंगे कि इसको साथ साथ, जो उसने कहा है अ डायमीटर इज अ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये देखें उसने कहा ये हमारे पास इज अ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है टू द कॉर्ड, कॉर्ड के ऊपर ये ऊपर वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऊपर से नीचे सीधी आ रही, इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। अब गिवन क्या है, हमारे पास जो चीजें गिवन है वो हम साथ साथ बताते जाएंगे। जरा चेक करें कि हमारे पास M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट, M आपके पास क्या है,
एम हमारे पास मिड पॉइंट है, किस चीज का, ऑफ एनी कॉर्ड, ऑफ एक एनी कॉर्ड है और वो कॉर्ड क्या है हमारे पास ए और बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी, ए बी का ऑफ ए सर्कल, ऑफ अ सर्कल सेंटर एट ओ, सेंटर एट ओ, यहां पे हम साथ बता सकते हैं कि ए बी इज नॉट अ डायमीटर, जहां पे आप बताएं कि जो उसने ये बताया था कि जो आपका कार्ड है वो डायमीटर है नहीं है, तो हम साथ ही इसको शो कर देंगे वेयर कॉर्ड जो आपका बतर है ए बी इज नॉट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का डायमीटर ये हमारे पास नहीं है, ये गिवन है। प्रूफ क्या चाहिए, हम लिखेंगे टू प्रूफ, सबूत के लिए हमें क्या चीज चाहिए, तो हम बता सकते हैं कि प्रूफ के लिए मेरे पास ओ एम परपेंडिकुलर है द कार्ड ए बी, ए बी जो बत्तर जो कार्ड है उसके ऊपर ओ एम क्या है ये परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, अमल क्या किया आपने, जो हमने एक्स्ट्रा काम किया है चीज को प्रूफ करने के लिए वो हमारे पास क्या है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया ज्वाइन ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन किया विद सेंटर विद सेंटर ओ, ओ के साथ आपने ए को और बी को क्या करवा दिया है ज्वाइन करवा दिया है मिला दिया है, और जिसकी वजह से हम क्या बनेंगे हमारे पास एंगल वन एंड एंगल टू राइट नो, तो आप लोगों ने अब ये लिख लिया जो बने आपके पास वो क्या है एंगल वन एंड एंगल टू, अंडरस्टैंड आगे क्या है हमारे पास है प्रूफ सबूत, और प्रूफ के अंदर दो चीजें आती हैं, वन इज स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट एंड द सेकंड इज रीजन दलाइल, तो मैं पहले बता चुका हूं इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में मैं अपलोड कर रहा हूं ताकि स्टूडेंट को इंग्लिश वाले को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश उर्दू वाले को भी प्रॉब्लम ना हो, तो आपने देखा हमारे पास इनमें से दो ट्राइंगल बनी है, वो कौन सी ट्राइंगल है ओ एम ए इन ट्राइंगल ओ एम ए, और इसके साथ इसका रिलेशन है दूसरी ट्राइंगल का ओ एम और बी, ओ एम और ये दो ट्राइंगल है जिसे हम इस पूरे थ्योरम को अब प्रूफ करेंगे, तो इसमें से हमारे पास क्या है सबसे पहले मेजर ओ ए और साथ ही हमारे पास कंकरेंट है मेजर ओ और बी, ओ ए और कंकरेंट है ओ बी के जिसे आप लोग मतमासल कहते हैं, तो ये क्या है ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सेम सर्कल ऑफ द सेम सर्कल, यानी कि ये रेडियस है हमारे पास वो सर्कल का, ये आपको मैं बताता जाऊं ये सर्कल है ये सेंटर है, सेंटर से जनाब दायरे के अंदर से जितने भी वो पॉइंट है वो सारे के सारे आपके क्या है रेडियस, जो स्मॉल आर से शो किया जाता है और कैपिटल आर शो करता है उसका डायमीटर को, तो उसके अलावा वो डायमीटर डी से भी शो किया जाता है लेकिन उसको जाहिर करने की जरूरत नहीं है, स्मॉल ए से इसका रेडियस शो होता है, ये एक साइड आ गई है। इसके बाद मेजर ए से एम और बी से एम जो उसका हाफ करता था मेजर
ए से एम और कंकरेंट है मेयर बी और एम के। तो ये क्या है, ये गिवन है, ये ऑलरेडी हमें चीज मालूम है जो पहली स्टेटमेंट के साथ दिया था। तीसरी साइड क्या रहेगी, मेजर ओ एम, मेयर ओ एम कंकरेंट है मेयर ओ एम। तो ये क्या चीज है, कॉमन है, ये दोनों चीजों में दोनों ट्राइंगल के अंदर सेम है। देख सकते हैं ओ एम इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और ओ एम इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन है। अब हम लिखेंगे बिकॉज कि हमारे पास ट्राइंगल ओ एम ए इट्स कंकरेंट ट्राइंगल ओ एम और बी, और आगे दिलाई में क्या लिखेंगे हम, साइड 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 इट्स कंकरेंट साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों ही साइड है, ये भी साइड है ट्राइंगल की, ये भी साइड है और ये भी, इसलिए हमने साइड 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 यानी कि उसका जिला जिला और जिला आ चुका है। फिर हम क्या करेंगे, द नेक्स्ट इज कि हमारे पास मेजर एंगल वन इट्स इक्वल मेजर एंगल टू, तो कहते हैं ये हमारे पास मेजर एंगल वन एंड टू, ये इसको नाम देंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन वन। फिर हमने ये दोनों को क्या करना है, प्लस मेजर एंगल वन प्लस मेजर एंगल टू एंड इट्स इक्वल मेजर एंगल, अगर आप लोग वो एम को लेंगे तो एम हमारे पास सारे को अगर इकट्ठा करते हैं, ये एम इधर भी आधा है और उधर भी आधा है, टोटल कितना आ जाएगा 180। तो इस वजह मेजर एंगल हम लिख सकते हैं ए एम बी, ए एम और बी, ए एम और बी टोटल कितना आ जाएगा, और ये उसकी क्या होगी, ये टू होगी। इसका मतलब है कि जो मेजर एम है वो पहले ट्राइंगल का भी हिस्सा है 90 और दूसरे ट्राइंगल का भी हिस्सा 90, इस वजह से टोटल बना 180। ये जरा आप लोग देखें, ये किस तरह बना टोटल 180, ये मतलब इसलिए हाफ उधर हो गया और हाफ उधर, एम दोनों का ही हिस्सा है। अब हम लिखेंगे कि हमारे पास 9 मेजर एंगल 1 इट्स इक्वल मेजर एंगल 2 इट्स इक्वल 90 डिग्री, और आप लिखेंगे हम ये साथ कि हमारे पास फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2, और साथ इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि अब डेट इज के ओ जो हमारे पास इसका प्रूफ है ओ एम ये परपेंडिकुलर किसका है ए बी का। तो ये हमारे पास है थ्योरम नंबर 2 इज कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, समझने के लिए आपने क्या करना है इसको पार्ट बाय पार्ट जो ना वो हल करें, पहले आप लोग उसके गिवन को अच्छी तरह समझें, फिर उसके बाद आप लोग प्रूव करें, फिर देखें कौन सा हमने किया है इसका कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम देखें कि वहां पर ट्राइंगल में कितनी साइड और कितने एंगल है जिसकी वजह से ये दोबारा प्रूफ हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोग इससे भरपूर फायदा लेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने भी